इंदौर मान्य न्यायालय द्वारा सुनाए प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम, मुआवजा चुकाने का फैसला। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95,98,000 रूपए पीड़ित परिजनों को देने के लिए दिए गए आदेश। दरअसल भूसावल में रेलवे जीआरपी थाने में पदस्थ जितेंद्र सेन अगस्त 2018 में खंडवा से अपनी ड्यूटी के लिए भूसावल के लिए निकले थे। उसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते वह हादसे का शिकार हो गया और पुलिसकर्मी जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल द्वारा मान्य न्यायालय में गुहार लगाई थी कि जितेंद्र सेन परिवार के एकमात्र कमाने वाले और परिवार के बड़े सदस्य थे। उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई और कोर्ट के तहत COVID-19 के इस दौर में भी उनके परिवार ने अपना जीवन यापन आर्थिक तंगी के बीच कर रहा था। माननीय न्यायालय की शरण के बाद अब दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने मान्य न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95,98,000 रूपए परिजनों को हुई क्षतिपूर्ति के रूप में राशि देने के आदेश दिए गए हैं। आज इंदौर माननीय न्यायालय ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मृतक परिवार को 95,98,000 रूपए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को देने के लिए फैसला सुनाया है। सर, क्या था ये पूरा मामला? दरअसल मामला यह था कि अगस्त 2018 की घटना है। मृतक जितेंद्र सेन अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे, उसके बाद में ट्रक जो था अंध गति से आ रहा था, ट्रक ने उनको टक्कर मार दी थी मोटरसाइकिल पर, इससे उसकी स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई थी। सर, क्या आर्गुमेंट रखे गए थे आपके द्वारा? आज माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा और साथ में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ताओं के द्वारा तर्क रखे गए थे, जिसमें दोनों पक्ष को तर्क सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 95,98,000 रुपए देने के आदेश दिए हैं। सर, क्या करते हैं? मृतक जितेंद्र सिंह जो थे रेलवे सुरक्षा बल में थे, भुसावल डिवीजन में उनकी पोस्टिंग थी। मृत्यु के समय वो अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। आपका पूरा परिचय? राजेश खंडेलवाल, अधिवक्ता।